नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त पंकज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ जी में। दोस्तों, थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर भी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ आपको हरा हरा कुछ दिख रहा है। एक्चुअली आप में से इसे बहुत से लोग बहुत आसानी से पहचान जाएंगे जब थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा आपको। तो देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली सब्जियों और सलाद में इस्तेमाल होने वाला कोरिएंडर लीव्स है, यानी धनिया का जो पत्ता होता है। धनिया का आप इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे क्यों दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, और हम लोग चूँकि इस पर ज़्यादातर हेयर रिग्रोथ से जुड़ी वीडियोज़ देखते हैं, तो ये बालों के रिग्रोथ से ही जुड़ा हुआ है। तो आज मैं इसी के जरिए बताऊंगा कि आप इसके जरिए कैसे अपने बालों को रीग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है तो इसी तरह की और भी वीडियोस मैं लाता रहता हूं, और बहुत सी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो उन्हें देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और फिर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इससे मिलती रहेगी आपको नोटिफिकेशन हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की आपको। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं, देर नहीं करते हैं। एक्चुअली जो कोरिएंडर लीव्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे औषधीय तत्व होते हैं जो आपके अगर सिर में बाल झड़ रहे हैं या जो झड़ चुके हैं, तो अगर फोलिकल्स बचे हुए हैं, देखिए जहाँ फोलिकल्स नहीं है, हेयर फोलिकल्स कहते हैं उन्हें, जो बाल अगर ऊपर से झड़ भी जाते हैं ना, तो भी स्कैल्प के अंदर जो है हेयर फोलिकल्स यानी उनके बीच आप कह सकते हैं वो बचे रह जाते हैं। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक बाल झड़ चुके हैं, बहुत लंबे समय से गंजापन है, तो उस हेयर फोलिकल्स के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर वो हैं दोस्तों, तो आप इसका इस्तेमाल करके उन हेयर फोलिकल्स को पोषण दे सकते हैं और वो फिर से रिग्रो होंगे और आपके सामने वो बालों के रूप में नज़र आने लगेंगे। करीब कहते हैं कि 30 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगता है। तो उसके बाद आपको छोटे छोटे रोए से दिखने लगेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल खाने के लिए नहीं करना है। खाने के लिए तो सब्जियों में डालते ही हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो और इसको देखते ही भूख भी बढ़ जाती है लोगों की। लेकिन इसका हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खाने के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं करते रहिए। इसको आपको रात को जो है इसको पानी में डालकर उबाल लेना है, और उबालने के बाद इस पानी को रात भर इसी तरीके से उस कोरिएंडर लीफ के साथ रहने दीजिए, निकालना नहीं है। और सुबह उठकर उसी पानी से आप उसमें से कोरिएंडर लीफ उसके बाद निकाल सकते हैं, छान कर निकाल लें, और उसके बाद उस पानी को जो है स्कैल्प में और बालों में उसको धोना है उस पानी से। और उसके बाद ये चीज़ आपको कंटिन्यू 30 दिन तक करना है, एक भी दिन गैप मत करिएगा, ठीक है। और चूंकि हम बालों को धो रहे हैं तो उसके लिए आपको सुबह सुबह ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये रात भर जब ये पानी में रहता है तो अपने सारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो पानी में छोड़ देता है। और उसके बाद आप जब बालों को इससे वॉश करते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं या डैंड्रफ की वजह से झड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये दूर कर देगा। उसमें बहुत से औषधीय तत्व मौजूद होते हैं। और देखिए दोस्तों, ये चीज़ें वाकई में फैक्ट हैं। 30 दिन के बाद आप बताइएगा कि क्या आपको इससे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और ये मत सोचिएगा कि 30 दिन के बाद आपके बाल एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे। फॉलिकल्स जो बने हैं वो छोटे छोटे रोए के रूप में निकलने लगेंगे। अब जब हम बालों को छीलते हैं, शेव करते हैं, मुंडन कराते हैं, तो भी तो आप देखते हैं ना कि साल भर के बाद ही बाल बड़े बड़े होते हैं, वरना छोटे छोटे ही तो ग्रो होते हैं ना। वैसे ही ये भी करेगा, उन फॉलिकल्स में वो जान फूंक देगा और छोटे छोटे रोए से दिखने लगेंगे, और फिर वो धीमे धीमे बड़े होकर बालों का रूप ले लेंगे। तो आई थिंक आपको ये जरूर आजमाना चाहिए अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं, गंजेपन से परेशान हैं तो। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी से भी रिलेटेड तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आई थिंक आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।